बच्चों, क्या हाल है बेटा? आज बेटा, आज मैं आपको टॉवल पे पेंटिंग करना सिखा रही हूँ बेटा। टॉवल पे के ऊपर बेटा फेविक्रिल के कलर्स नहीं लगते, जो बाइंडर के कलर्स होते हैं बेटा। जैसे ये बाइंडर है बेटा, ये देखें अंदर से, ये ऐसा होता है बच्चे। बाइंडर ध्यान से देखें बेटा, ये बाइंडर है। इससे बेटा हम टॉवल के ऊपर कलर कर सकते हैं। फेविक्रिल के साथ कलर नहीं कर सकते, एक तो उससे हार्डनेस आ जाती है बेटा, दूसरा वो कलर उतर जाते हैं टॉवल के ऊपर से। सो बाइंडर में मैंने बेटा एक्रामिन डाइज डाली है। वो डाइज भी जहाँ से बाइंडर लेते हैं वहीं से डाइज मिल जाती है बेटा। साथ में फिक्सर फिक्सर होता है बेटा, ये एक वाइट ट्रांसपेरेंट, ये देखें बेटा ये ट्रांसपेरेंट फिक्सर है। ये थोड़ा सा डालना पड़ता है बाइंडर में। मैंने बेटा पानी डाला है, पानी डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह बीट किया है। फिर जहाँ से चाय की छलनी जो होती है, चाय छाननी वाली छाननी जो होती है, उसमें से मैंने बाइंडर को क्लियर किया बेटा। फिर मैंने उसमें बेटा पानी डाला है। पतला पतला रंग करना होता है जो टॉवल सोख कर ले बच्चे। साथ में फिर मैंने ये बीच में फिक्सर डाल दिया है। फिक्सर बेटा, ये फिक्सर अंदाजे से बेटा मैंने एक चम्मच फिक्सर डाला है। वैसे छोटी चमची चम्मच जो होता है, टीस्पून, वो डाला है बेटा मैंने। और पानी मेरे ख्याल में, ये मेरे पास इतना बाइंडर था बेटा, इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया बेटा। अलग कटोरे में पानी डाल के मैंने बाइंडर को पतला करके अलग अलग रंगों डब्बियों में डाल के बीच में मैंने एक्रेमिन डाइज डाल दिया बेटा। ऐसे रंग तैयार हो जाता है। अब मैंने ब्लू कलर लिया, स्काई ब्लू। तो मेरे दिमाग में होता है कि जो कलर का कपड़ा हो उसी कलर के मिलती जुलती फैमिली से फ्लावर्स बनाने चाहिए। पता नहीं बेटा मैं ठीक हूँ कि नहीं, अब मेरी चॉइस ये है। जैसे पिंक कलर का टॉवल हो या पिंक कलर का कपड़ा हो तो उसके ऊपर मैं डार्क पिंक या मैजेंटा ऐसी टोन यूज करूंगी बेटा। सो ये ब्लू है तो मैंने ब्लू में बेटा इसमें मैंने लिए हैं कलर्स। सो देखें बेटा, फ्री हैंड में ये टॉवल बनाने लगी हूँ। कोई मुश्किल फ्लावर नहीं है बच्चे। सो देखें बेटा, ये फ्री हैंड, ये बिल्कुल देखें, ये पतला सा बेटा कलर है। ये ऐसे देखें कैसे पानी इसमें से ये पतला पतला चल रहा है। ये देखें बेटा, ये देखें बिल्कुल पतला कलर है। फिक्सर डालना मत भूलना बेटा, फिक्सर डालना बहुत जरूरी है, उससे फिक्स होगा बेटा कलर आपका। ना भगवान का नाम लेके बेटा जब भी काम करो, कोई नया काम शुरू करो तो भगवान को जरूर याद किया करो। ये देखें बेटा, पतला पतला कलर है तभी ये टॉवल के बीच में जाएगा। ये देखें बेटा, टॉवल को पहले धो लेना बच्चे, क्योंकि केमिकल्स डाले होते हैं उसको कपड़े के ऊपर। ये देखें बेटा, ये मैं फूल बना रही हूँ। फूल का नाम नहीं आता बेटा मुझे, मुझे फूलों के नाम वैसे भी नहीं आते, कौन कौन से फूल चल पड़े हैं इसलिए इसका नाम नहीं पता बेटा। देखे बेटा ये फूल, ये अभी मेरा फूल बन रहा है बेटा। ये छोटे
चौड़ा ब्रश बेटा, टॉवल के ऊपर हमेशा फ्लैट चौड़ा ब्रश लेना चाहिए। ये मैंने पेंट शॉप से बेटा ब्रश लिया हुआ है 30 रुपए का। इसका 1 इंच वाला बेटा ये ब्रश है, 1 इंच। ये देखें बेटा, ये एक ऐसे ये लिया बच्चे आराम से, उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा के बेटा ब्रश को ले लो, थोड़ी सी शेप आ जाती है। इस पे फेविक्रिल का कलर नहीं जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई शेडिंग थोड़ी सी देनी हो कहीं पे डार्क, जैसे आप पिंक कलर लगा रहे हो, आपको पिंक डार्क शेड देना है, थोड़ा फीका देना है, तो आप फिर फेविक्रिल का थोड़ा सा ऐसे टच दे सकते हो बेटा। जैसे ये डब्बी है मेरे पास फेविक्रिल की, ये बच्चे ये देखे, ऐसे थोड़ा सा रंग लेके आप ऐसे इसको टचीज ऐसे थोड़ा सा इसको टच कर सकते हो बेटा, सिर्फ थोड़ा सा। इसमें भी मैंने बच्चे पानी डाला हुआ है, ये ऐसे ब्लू थोड़ा सा कर सकते हो आप। ये देखे बेटा, ये फैब्रिकल का है थोड़ा सा बिल्कुल, ये देखे बेटा ऐसे। बच्चे आप मुझे बता रहे थे कि हमारा कपड़ा हार्ड हो जाता है पेंट करने के समय, पेंट करने के बाद। सो बेटा आप लोग रंग मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा कोट करते हैं बेटा, एक दो कोट करने से बेटा फ्लावर बन जाता है। आप मुझे लगता है पहले उसको लाइट करते हो, वाइट कलर से करते हो, फिर दूसरा रंग यूज करते हो, फिर तीसरा करते हो। बच्चे ऐसे नहीं करना आपने। अब मैं यही फ्लावर बेटा ये देखें ऊपर छोटा सा करके डालने लग गया हूँ, छोटा थोड़ा साइज में। इसलिए बेटा आप एक तो मीडियम यूज करने की जरूरत नहीं होती बच्चे, उससे भी हार्ड हो जाता है। आप पहले कपड़े को धोएं अच्छी तरह, उसके बाद धोने के बाद बच्चे आप उस पे उसको प्रेस करें, प्रेस करने के बाद उसको आप यूज किया करें। कलर ज्यादा मत उठाया करें, आप एक नुक्कर में कपड़े की नुक्कर के ऊपर बेटा जरूर देखा करें कि कितना पानी चाहिए, कितना हमारा कपड़ा पानी लेता है बेटा, आपने उसी हिसाब से पानी को यूज करना है। पतला पतला रंग यूज किया करें बच्चे, फिर हार्डनेस नहीं आती। मैंने कई बच्चों को उनकी प्रॉब्लम देख के मैंने उनको अपना फोन नंबर भी दिया था, तो आप मेरे साथ फोन पे भी बात करें, खुल के मैं आपको बताऊंगी बेटा। इसलिए किसी बच्चे ने मुझे कहा था भी मैं जब ये दुपट्टा बनाती हूँ तो मेरा दुपट्टा आपस में चिपक जाता है और उससे रंग उतर जाता है। सो बेटा उसके ऊपर आप थोड़ा सा क्या किया करें, ये जो बाइंडर होता है ना बच्चे, ये बाइंडर थोड़ा सा अपनी प्लेट में रख लिया करें, बाइंडर उसको बाइंडर को टच कर लिया करें बेटा थोड़ा सा ब्रश के साथ, साथ में फेविक्रिल का कलर टच करें, उससे आप वो यूज करें, उससे भी सॉफ्टनेस आएगी बच्चे दुपट्टे के ऊपर। आप ये बाइंडर का कलर यूज करें दुपट्टे के ऊपर, बाइंडर प्लस ये अक्रम इंडाइज जो है ये भी बच्चे हार्डनेस नहीं देते दुपट्टे के ऊपर। सो आप ऐसे यूज कर सकते हैं बच्चे। बेटा आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, मेरा परिवार इतना बड़ा बन गया है आप लोगों के द्वारा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो थैंक यू बेटा इतना प्यार देने के लिए। हाँ जी देखे बेटा, ये मैंने फ्राज बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लू से टच किया, टच जो ब्लू कलर से लिया बेटा वो मैंने फेविक्रिल का रशियन ब्लू कलर, उसमें मैंने पानी डाला है, वो भी पतला है बेटा। जब अभी बेटा बाइंडर कलर यूज करते हैं
साथ में प्लेन बाइंडर जरूर रखा करें बेटा, कि फीका रंग करना होता है तो आप ये टोन इससे चेंज कर सकते हैं बेटा। ये देखें मैंने प्लेन बाइंडर रखा हुआ है, ये देखें प्लेन, तो आप इससे कर सकते हैं बेटा लाइट डार्क करना हो तो। सो बेटा ये मैंने फ्लावर्स डाले हैं, अब मैं ग्रीन कलर यूज करने लगी हूँ इसके नीचे। इसमें मैंने थोड़ा सा बेटा मैं व्हाइट बाइंडर या बाइंडर यूज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है बेटा ये आपको अच्छा लगेगा मेरा काम, आप इसे जरूर लाइक करें। टॉवल बेटा एक हफ्ते के बाद आप इसको धो सकते हैं, 1 वीक के बाद। जो टॉवल लें बेटा, जैसे आप फॉन शेड का टॉवल लेते हैं स्किन कलर का, उसपे बेटा वो ही यूज करें रंग, उसे डार्क टोन, वो ज्यादा अच्छी लगेगी पुत्र। बाकी बेटा आप बेटर जजो, बहुत अच्छे आप बच्चों को बहुत ज्यादा समझ है बेटा। इस फूल के साथ बेटा ऐसी लंबी वाली पत्ती बनती है। मैंने लाइट प्लेन बाइंडर भी लिया साथ में बच्चे। एक चीज बेटा याद रखना, ये जो कलर है ये 1 नंबर 2 नंबर लाइट हो जाते हैं सूखने के ऊपर, जो आपको ज्यादा डार्क लगते हैं वो लाइट हो जाते हैं पत्थर। ये ब्लू है बेटा मेरे पास प्रशियन ब्लू, वो थोड़ा सा मैंने बच्चे ये टच किया थोड़ा थोड़ा। बहुत आसान है बेटा ये टॉवल पे पेंट करना, आप पूरे पूरे सेट टॉवल बना सकते हो। किसी को गिफ्ट करना है किसी की शादी में, तब भी बेटा आप बना के उसे गिफ्ट कर सकते हैं। आप बेटा टॉवल को ट्रेस भी करा सकते हैं मार्केट से, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप ऐसे कर सकते हो, ट्रेस हो जाती है टॉवल के ऊपर भी। एक दिन बेटा मैं आपको कपड़े के ऊपर ट्रेस करना सिखाऊंगी, मुझे कई बच्चों ने बोला है ट्रेस करना सिखाएं। जब हम कलर को पतला, अपने फेविकोल के कलर को पतला करके किसी बर्तन में डाल के काम करते हैं किसी कंटेनर में, तो आप उसको वापस उसी बॉटल में डाल देना, वेस्ट नहीं करना बेटा कलर किसी कलर को भी।
हाँ जी, देखिए बेटा फूल हमारा पूरा होने को है। बच्चे इसके बच्चे टॉवल के जो बुरा ना, इसकी जो वीविंग जो होती है बेटा, इसको हमने गीला करना होता है। पूरा कलर इसके बीच में जाना चाहिए बेटा, आपने इतना ध्यान देना। बच्चे काम करते, इसकी वीविंग जो है, बुर जो है, इसको हम बुर बोलते हैं बेटा, आप पता नहीं क्या बोलते हो, वो बेटा ज़रूर गीली होनी चाहिए। जो आपने ब्लू कलर लगाना है, मैंने जो ब्लू लगा रही हूँ बेटा, ये फेविक्रिल का मैंने आपको बताया, ये देखिए बेटा ये फूल। बच्चे कई बार काम करते हुए कोई ड्रॉप गिर जाता है, घबराना नहीं है, उसके ऊपर एक और पत्ती डाल दो, कुछ कर दो, कई बार हो जाता है बेटा गलत, काम करते करते गिरता है कुछ ना कुछ, मेरे से भी होता बेटा। ये देखे बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा सेंटर, ये फूल का थोड़ा सेंटर था बेटा छूट गया हुआ, ये मैंने इस पे थोड़ा सा पीला सा रंग दे दिया, ऑरेंज कलर है, ब्राउन सा कलर कोई जरूरत नहीं होती बेटा, वैसे ही छूट गया था तो इसलिए कर दिया। देखती हूँ, सो ये देखे बेटा, ये टॉवल के ऊपर बेटा ये देखे, मैंने फ्री हैंड एक डिजाइन बना दिया है, टॉवल बाइंडर कलर से पेंट किया बच्चा। ये देखे बेटा कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट बिल्कुल अच्छा सा। सो मुझे लगता बच्चे आप इसको लाइक करेंगे, मुझे जरूर लाइक करें, आपने मुझे वैसे भी बहुत प्यार दिया बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चे, इतना प्यार देने के लिए, मेरा इतना बड़ा परिवार बना दिया बच्चा लोग आपने। सो बच्चे थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू वेरी मच, ओके बेटा बाय।